या अल्लाह तू ही बता मैं कैसे अपने जिगर को छलनी करने वाले को माफ कर दूं, मैं कैसे अपनी मासूम बहू के सुहाग को उसके सुहाग को उजाड़ने वाले जालिम को माफ कर दूं। इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में, या अल्लाह तुम मुझ पर रहम कर। मैं जवान बेटे के बाद दूसरे बेटे की जुदाई सहने की ताकत नहीं रखती। या अल्लाह मेरे सज्जाद और उसकी बीवी को हिदायत दे मेरे मौला। या अल्लाह तू करम कर दे, तू रहम कर दे। अम्मी आ रही, खोल रही। आ रही हूं। सॉरी नाश्ते में देर हो गई तो। हाँ वो रात से ना बहुत ज्यादा नजला जुकाम हो रहा है, पूरी रात मेरी बेचैन गुजरी है। सारी रात मेरे सर में बहुत दर्द होता रहा जुकाम की वजह से। मेरा सर तो मन भर का हो गया, पूरी रात चैन नहीं आया मुझे। क्या बात है अम्मी, कोई परेशानी? परेशानी नहीं, तो मैंने बताया ना कि रात से मुझे जुकाम हो रहा है और सर में बहुत दर्द है इस वजह से। मैंने तो सुना है कि माँ बेटियों के बीच में कोई हिजाब नहीं होता। मुझे लगता है माँ बेटियां एक दूसरे से अपनी परेशानियां शेयर कर सकती हैं। क्या यूं समझूं कि आपने मुझे बेटी समझा ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ बेटी कहा नहीं, दिल से तस्लीम भी किया। अब देखो ना, मेरी अपनी कोई बेटी तो है नहीं, और तुम्हें मैं अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानती हूं। इतनी बड़ी बात कही थी है, बताइए क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? क्या बताऊं? दरअसल रात को सजाद और रेमन आए थे मेरे कमरे में मेरे पास। उन्होंने ऐसी बात कही है कि मैं सारी रात सो नहीं सकी, बेचैन रही। क्या बात की? सज्जाद कहने लगा कि हमाद का खून बहा लेकर हम हमाद के कातिल को माफ कर दें।